हेलो राइडर्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं चेतन पाटिल फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्निकल काकाजी द क्रेजी राइडर। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है टॉप 10 ऐसी 100 सीसी की बाइक जो इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिनकी सेलिंग इंडिया में काफी ज्यादा है। मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूँ, आंकड़ों के हिसाब से आप उनको जज कर सकते हो। जो मैंने सिक्वेंस लगाई हुई है बाइक्स की, वो मैंने मेरे हिसाब से लगाई हुई है, हाँ, लेकिन वो सिक्वेंस कहीं ना कहीं बराबर भी है जो कि इंडिया में पॉपुलरिटी के हिसाब से जो ओनर से उनसे बातचीत करके मैंने ये कुछ सीक्वेंस लगाई हुई है बाइक्स के, तो इस हिसाब से ये सीक्वेंस रहेगी। तो आपको ये जज करने में काफी इजी रहेगा कि अगर आप ये 10 बाइक में से कोई भी एक बाइक चूज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे एंड तक जरूर देखना। तो 10वें नंबर की बाइक है वो है हीरो एचएफ डाउन। जी हाँ, हीरो एचएफ डाउन ये हीरो की तरफ से निकल के आती है और ये काफी पॉपुलर बाइक है। 97.2 सीसी का इसका इंजन है, 80 kmpl कंपनी ने दिया हुआ माइलेज है जो कि आपको प्रोवाइड करेगा। कंपनी का दावा है कि ये 80 kmpl तक आपको माइलेज प्रोवाइड कर सकता है। 10.5 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। अगर मैं इसके मुंबई एक्स शोरूम की प्राइस करूँ तो 37,400 इसकी मुंबई एक्स शोरूम प्राइस है। उसके बाद जो 9th नंबर पे जो बाइक निकल के आती है वो है TVS की तरफ से, TVS Star City। जी हाँ, TVS Star City। अब ये बाइक आपको 109.7 सीसी की बाइक मिलती है जिसमें आपको कंपनी दावा करती है कि 95 kmpl तक का आपको माइलेज प्रोवाइड करेगी। उसके बाद इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है। मुंबई शोरूम प्राइस आपको 44,490 रुपीज मिल जाती है। इसके बाद जो अगली बाइक है वो है महिंद्रा सेंचुरो। जी हाँ, महिंद्रा सेंचुरो 106.7 सीसी का जो है आपको इंजन मिल जाता है। 85 kmpl तक का इसका माइलेज है। 12.7 लीटर तक का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है। अगर मुंबई एक शोरूम की प्राइस की मैं बात करूं तो 47,600 में आपको ये मिल जाती है। उसके बाद 7th नंबर पे जो बाइक आती है वो है TVS Sport। ये काफी पॉपुलर बाइक है। तो ये 7th नंबर की TVS Sport अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो 99.7 सीसी का इसका आपको इंजन मिल जाता है। उसके बाद 95 kmpl तक का आपको इसका माइलेज मिलता है और ये 12 लीटर तक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको प्रोवाइड करता है। मुंबई एक शोरूम अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो 41,080 रुपीज आपको ये मुंबई में मिल जाएगी। इसके बाद 6 नंबर की जो बाइक आती है वो है बजाज डिस्कवर 100। जी हाँ, 94.9 सीसी का इसका इंजन है। 90 kmpl तक का कंपनी ने आपको दावा किया है कि ये माइलेज प्रोवाइड करेगा। 8 लीटर तक का आपको जो है वो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। मुंबई एक शोरूम अगर मैं प्राइस करूं तो ये आपको 49,111 रुपीज में मुंबई एक शोरूम में अवेलेबल है। उसके बाद 5th नंबर पे जो बाइक आती है वो है होंडा ड्रीम योगा। होंडा ड्रीम योगा ये जो है ये भी काफी पॉपुलर बाइक है। 109.7 सीसी का इसका इंजन आपको मिल जाता है। 72 kmpl तक का जो है इसका कंपनी ने दिया हुआ माइलेज है। 8 लीटर तक आपको ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी देता है। मुंबई एक शोरूम की अगर मैं प्राइस करूं तो 46,190 रुपीज में आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी मुंबई में। उसके बाद जो 4th नंबर की बाइक है वो है बजाज प्लेटिना कंफर्ट। ये बाइक स्पेशली जानी जाती है कंफर्टेबल के लिए। अब जो इसके शॉकअप्स चेंज कर दिए हैं 2018 में, तो ये और भी ज्यादा कंफर्टनेस आपको फील कराती है और एक लंबा सीट मिल जाता है आपको 100 सीसी सेगमेंट्स में। जो भी जितनी भी बाइक है उन सभी बाइकों से ज्यादा लंबा सीट इसका है, तो आपको ये 3 या 4 बंदे इजीली इसके ऊपर ड्राइव कर सकते, राइड कर सकते, कहीं भी जा सकते और कंफर्टनेस इसका काफी अच्छा है। तो बजाज प्लेटिना कंफर्ट ये जो है 99.27 सीसी की आपको बाइक मिलती है। 78 kmpl तक का आपको इसका माइलेज जो कंपनी का दावा है कि वो देती है। 13 लीटर तक का आपको इसका जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। मुंबई एक शोरूम की अगर मैं प्राइस करूं तो ये 38,000 में आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे जो आप बाइक आती है वो है हीरो एचएफ डीलक्स। जी हाँ, हीरो एचएफ डीलक्स आपको 97.2 सीसी का इंजन प्रोवाइड करती है। 80 kmpl तक का जो है हीरो का दावा है कि आपको ये प्रोवाइड करेगा। 10.5 लीटर तक का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। मुंबई एक शोरूम प्राइस 40,700 इसकी है। इसके बाद 2nd नंबर की अगर मैं बात करूं नंबर 2 पे जो इंडिया में काफी ज्यादा सेलिंग हो रही है, हीरो फैशन प्रो। जी हाँ, ये बाइक काफी पॉपुलर है, इसके चर्चा हर जगह पे है।
हीरो फैशन प्रो, ये आपको 97.2 सीसी का इंजन प्रोवाइड करता है। 84 KMPL तक का जो है कंपनी ने आपको दावा किया है कि आपको माइलेज प्रोवाइड करेगा। 12.8 लीटर का इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाता है। मुंबई एक शोरूम प्राइस इसका 45,900 रुपीज है। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे जो हमारी बाइक आती है वो है हीरो स्प्लेंडर प्रो, 97.2 सीसी की आपको ये इंजन प्रोवाइड करती है। 80 KMPL तक का आपको ये माइलेज प्रोवाइड करा देती है। 11 लीटर जो है इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और मुंबई एक शोरूम की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये आपको 42,600 एंड समथिंग कुछ रुपीज में आपको मिल जाती है। तो ये तो थी एक लाइन, एक सीक्वेंस 100 सीसी में जो इंडिया में काफी पॉपुलर है और काफी ज्यादा सेलिंग इन बाइकों की है, जो इंडिया में आप देख सकते हो हर जगह आपको अवेलेबल हो जाती है सिटी कम्यूटर्स के लिए, एज वेल एज आपको कहीं छोटी सी लॉन्ग राइड करनी है तो भी ये सारी बाइक्स में से किसी एक बाइक को आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पर्पस, आप किस तरह से उसको यूज करना चाहते हैं, कहाँ के लिए यूज करना चाहते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे अभी तक के जितने भी वीडियो है उसमें से कुछ गिने चुने वीडियोस आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे के रखे हैं, वहां पे जाके आप देख लो। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था आपको आरटीओ रूल्स के अगेंस्ट में कौन से मॉडिफिकेशन है और आरटीओ रूल्स के भीतर कौन से मॉडिफिकेशन है, तो वो भी वीडियो आप वहां पे जाके आप देख सकते हो अगर आप आपकी बाइक में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वहां पे आपको आइडिया आ जाएगा कि आरटीओ रूल के भीतर कौन से मॉडिफिकेशन लीगल है और कौन से इलीगल है। उसके बाद मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाइक के सारे सॉल्यूशंस आपको एक ही जगह पे मिल जाए, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें मेंटेनेंस रिलेटेड टिप्स, उसके प्रॉन्स कॉन्स और उसके फायदे नुकसान सारी चीजें, तो ये चैनल आपके लिए है, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इसे नीचे दिए हुआ लाल बटन जो है वहां पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाजू में जो घंटी का आइकॉन है उसे भी प्रेस कर देना। इसके अलावा अगर आपके पास एवेंजर सीरीज की कोई भी बाइक है तो भी ये चैनल आपके लिए, क्योंकि उस बाइक से रिलेटेड प्रॉन्स कॉन्स फायदे नुकसान उसके मेंटेनेंस रिलेटेड टिप्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, बिल्कुल फ्री। नीचे जो काला वाला बटन है थम्स अप का उसे प्रेस करके नीला जरूर कर देना। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बाइक रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।